नगर पालिका से नाराज गौ सेवक अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड स्थित घास की मंडी पानी की टंकी का है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर गौ सेवक पानी की टंकी पर आज सुबह चढ़ गई। गौ सेवकों के टंकी पर चढ़े जाने की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को लगी तो लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। गौ सेवक विशाल पंडित का कहना है कि नगर पालिका द्वारा 6 महीने से वेतन नहीं मिला और 2 महीने पूर्व नगर पालिका से सेवा समाप्त कर भी निकाल दिया गया, जिसको लेकर आज गौ सेवक अपने साथियों के साथ पानी की टंकी पर चढ़कर स्थानीय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता दिखाई दिया। तीनों युवकों ने टंकी पर चढ़कर लगाई जय श्री राम के नारे। जानकारी मिलते सीओ सिटी सादाबाद SDM और थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गौ सेवकों को घंटों समझाने के बाद टंकी से नीचे उतारा गया। देखते रहिएगा हाथरस सिटी न्यूज़, सच की आवाज़, पवन पंडित के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल उपाध्याय। अच्छा, आज जो आप आए हैं यहाँ पानी की टंकी पर, आपके कुछ साथी चढ़े हुए हैं, किन मांगों को लेकर के चढ़े हुए हैं? नहीं, हमारे गौ सेवक है विशाल पंडित, जो नगर पालिका में कार्य करता था और उसे नगर पालिका से आज निकाल दिया गया। तो हमारी पहली मांग तो यही है सर, नगर पालिका में वापस से बहाल किया जाए, जिससे गौ माताओं की स्थिति सही से काम होता रहे, क्योंकि आज नगर पालिका की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और केवल एक व्यक्ति के होने पर ना होने पर इस समय कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। किस कारण निकाला गया इनको नगर पालिका? इनकी जांच वगैरह बैठी थी तो जांच में एक दिन ये लेट हो गए, इन्होंने पेपर नहीं सबमिट कर पाए, उसके चक्कर में निकाल दिया गया। अब अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, आगामी रणनीतियाँ क्या रही है? नहीं, हमारे जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक हमारे गौ सेवक टांकी पे से नहीं उतरे, टांकी पे से नहीं उतरेंगे।